कोई शरबत पीला कर याद कर रहा, कोई शिरनी बांट कर याद कर रहा, कोई जलसा जुलूस करके याद कर रहा, कोई सलातो सलाम पढ़ करके याद कर रहा, और जो एहसान मानता ही नहीं वो काहे को याद करे, जो एहसान मानता ही नहीं वो काहे को याद करेगा। शबरात भान बारहवीं भान अकीदत रसूल भान मोहब्बत रसूल भान सारे दरवाजे जो खुद से बंद कर ले, खुद से खुद पर बंद कर लिया है, तो अब उसे गिला कहेगा है, शिकवा कहेगा है कि हमें ज़ियारते रसूल क्यों नहीं मिल रही है, हमें शबाते रसूल क्यों नहीं मिल रही है। मिलेगी जो उनकी बारगाह से सटे हुए है और जो हटे हुए है, उनसे रहमत भी हटी हुई है, उनको नहीं मानने वाली, उनको नहीं मिलने वाली। तो खुदा का शुक्र मानो दोस्तों, तुम सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सुन्नी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान। तो इरशाद रब्बी है कि खुदा ने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें अपनी रसूल को भेज दिया। तो ये अभी पहली तकरीर आपने सुन ली, इंशाअल्लाह ताला दूसरी भी समाअत करेंगे, फिर तीसरी भी समाअत करेंगे। आपको इसी तरीके से बैठे रहना है, ये किसी को आवाज भी नहीं दी जाएगी कि आप आइए आप आइए। मैं बस इतना जानता हूँ कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो जो ऐसी महफिल में आ जाता है वो रहमतों की छाओ में आ जाता है, अमन की फिजाओं में आ जाता। तो अब आवाज तो किसी को दी नहीं जाएगी, जिनकी ख्वाहिश होगी वो आएंगे, नहीं होगी नहीं आएंगे। आप आ गए हैं, आपको यही रहना, आपको यही रहना। इंशाअल्लाह ताला मेरे पास शोराए किराम पढ़ेंगे, फिर आपके दरमियान हुजूर राजी है मिल्लत और हुजूर सुल्तान खिताबत दोनों तशरीफ फरमा है, आप उनकी तकरीर से महसूस होंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर जब भी मौका मिला तो शानो रताई आपको भरपूर अंदाज में सुनाएगा। ये दुआ अज़मत व हुस्नुल्लाह जहांगीर बाद वाखर दुआना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।